कर्नाटक में जेडीएस और कांग्रेस मिलकर सरकार बनाने जा रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि अभी पहला टारगेट स्पीकर का चुनाव है, इसके बाद बहुमत साबित करना है। मंत्रिमंडल और विभागों का बंटवारे पर चर्चा स्पीकर और बहुमत साबित करने के बाद की जाएगी। योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बेटे ने विवादित बयान दिया। अरविंद राजभर ने चंदौली की एक सभा में कहा कि अगर किसी ने गलत तरीके से लड़कियों और महिलाओं को छुआ तो उसका हाथ काट दिया जाएगा। केरल में निपाह वायरस तेजी से फैल रहा है। राज्य में निपाह वायरस की वजह से 8 लोगों की मौत हो चुकी है। कोझिकोड के बाद अब कालीकट जिले में निपाह वायरस से लोग प्रभावित होने लगे हैं। कोझिकोड मेडिकल कॉलेज अस्पताल के डॉक्टरों ने संक्रमित मरीज के परिजनों को अस्पताल आने से मना कर दिया। आधुनिक भारत के निर्माता माने जाने वाले राजा राम मोहन राय की आज 246वीं जयंती है। इस मौके पर गूगल ने डूडल के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि दी है। इसमें समाज के लिए उनके कामों को दिखाया गया।